मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो है PPSC उसने अपनी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो निकाल दी हैं वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे उसने बता दिया है कि जो DDA का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका दिसंबर मंथ में, और जो आपका ADA का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका अक्टूबर मंथ में। तो जो ADA का जो एग्ज़ाम है या फिर उसके अलावा जो दूसरे एग्ज़ाम्स है, जैसे आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, वो ADA से पहले हो जाएगा। तो उसकी जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है, और उसके रिगार्डिंग जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमने कुछ क्रैश कोर्सेज इनके जो रिगार्डिंग है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में जो आज की जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में होगी, और उसके अलावा जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ पहले से ADA या दूसरे कोर्सेज कर रहे थे, उन स्टूडेंट के लिए ये जो नया क्रैश कोर्स होगा जो हम शुरू करने जाएंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, उनको इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो क्रैश कोर्स होगा उसकी क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो PPSC है उसने किस किस एग्ज़ाम के लिए जो अपनी जो डेट है वो अनाउंस की है। तो उन्होंने बोला है कि जो वेटनरी का आपका एग्ज़ाम होता है, वेटनरी ऑफिसर RINARY, वेटनरी ऑफिसर, इसका जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 21st August को। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा आपका इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव। इसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 11th of 09। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो ADA का होगा, वो होगा आपका एग्जाम 16 दिसंबर को, और सॉरी अक्टूबर को। और फिर होगा आपका बिल्डिंग इंस्पेक्टर, BYLDANG बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इसका जो एग्जाम होगा वो होगा 27th of November को। और लास्ट में जो आपका है DDA का एग्जाम, ये होगा आपका 18th of December को। ठीक है, ये वाले जो हैं आपके एग्जाम, इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाली है। इन्होंने बोला है, PPSC ने बोला है कि ये जो डेट्स हैं ये चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन ये डेट्स अभी, ये जो एग्जाम थे ये किसी को भी नहीं पता था। ADA का एग्जाम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एग्जाम जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर में आएगा। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसी ईयर वो वाला एग्जाम है वो इसी ईयर हो सकता है। ये जो एग्ज़ाम्स हैं बेसिकली इन्होंने जल्दी इसलिए निकाल दिए हैं क्योंकि इनको नोटिफिकेशन अपनी निकालनी है, एक तो पंजाब पीसीएस, दूसरी पंजाब पीसीएस जुडिशरी की। ठीक है, ये दो नोटिफिकेशन निकालनी है, और वो ज़्यादा डिले हो रही थी इसी वजह से ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके ये प्रीपॉन हो चुके हैं। ठीक है, और वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने बोला है कि ये टेंटेटिव डेट होगी, लेकिन जितना बहुत ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं कि यही जो डेट्स हैं इन्हीं डेट्स को जो है आपके एग्जाम हो जाएंगे। इसके बहुत कम चांसेस हैं कि जो आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो हमारे वेरियस कोर्सेज चल रहे थे। ठीक है, एक हमारा इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का कोर्स चल रहा था, और एक DDA और ADA का, दोनों का जो कोर्स था वो एक साथ चल रहा था। ठीक है, हम थोड़ा स्लो पेस पे चल रहे थे क्योंकि हमें था कि DDA से पहले हमने जो अपना जो एग्ज़ाम है, जो हमारा सिलेबस है, उसको फिनिश करना है। तो हमने जो हमारा टारगेट हमने रखा हुआ था, हमने अपना टारगेट रखा था कि हम 1st of December तक को, 1st of December यहाँ तक जो है अपना जो सिलेबस है ADA वाला और DDA वाला, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम था, ये सिलेबस जो है ये हम फिनिश कर देंगे। कब तक? 1st of December तक। लेकिन अब क्या हो गया कि क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो पहले आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो सिलेबस है ना, जो नॉर्मल सिलेबस है, हमने पहले फिनिश करना था अब तक, यहाँ तक 12 मंथ तक। तो ये जो बीच का ये जो दो गैप आ गया है ना आपका, ये वाला जो सिलेबस है, ये जो DDA का जो आपका सिलेबस होगा वो उसी पेस पे चलता रहेगा। ठीक है, नॉर्मल पेस पे ही। और जो ADA वाला सिलेबस है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, क्रैश कोर्स, जो कि जो हमारे पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं ना ADA वाले, उनके लिए ये क्रैश कोर्स होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनको ये क्रैश कोर्स पड़ेगा 20,000 पे। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ करवाया जाएगा, जो आपके जो पांचों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो करवाए जाएंगे, जैसे CRPC हो गया, IPC हो गया,
सीपीसी हो गया और फिर एविडेंस एक्ट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो मैं ही करवाता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका ये है जीके वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें सारा आपका जीके हो गया जिसमें आपके इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, फिर उसके अलावा आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए और उसके अलावा पंजाब हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया। और बीच में एक आध में भी मेरे से मिस हो गया हो तो जो भी आपका सिलेबस है सारा तो वो कवर करवाया जाता है और उसी के साथ आपके सिलेबस में दिया हुआ था रीजनिंग और क्वांट्स, ठीक है, तो वो भी इसी में कवर होगा। तो जो हमारा नॉर्मल सिलेबस चल रहा था ना जीके वाला, उसमें हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका था। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी 3-4 क्लासेस रहती थी और एनवायरनमेंट और रीजनिंग हमने एक साथ स्टार्ट किया हुआ था, तो उसकी रहती थी सिर्फ 3-4 क्लासेस। तो जो हमारा जीके वाला पार्ट बी वाला जो आपका सिलेबस होगा ना वो भी सेम पेस पे चलेगा, उसका पेस हम इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये जो सिलेबस था ये हमने नेक्स्ट मंथ में वैसे भी कवर कर देना था, ठीक है। तो इसका जो पेस रखेंगे हम वो नॉर्मल पेस रखेंगे। अब जो आपका क्रैश कोर्स होगा ना उस वो किस तरीके से चलेगा वो बता देता हूँ। उससे पहले जो हमारे इंस्पेक्टर ये कॉपरेटिव इंस्पेक्टर का जो क्रैश कोर्स होगा इसमें जो हमारे लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हैं, ठीक है, आपके पास, और उसके साथ जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो आप साथ के साथ कवर कर रहे हो। और जो बच्चे न्यू हैं तो जो हमारा जो हमने करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं जून मंथ से ना हमने अपने करंट अफेयर्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, सॉरी मई मंथ से हमने जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, उसकी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी हमारे जो यूट्यूब चैनल है। हमने उसकी प्लेलिस्ट बना के ना जैसे मई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो एक प्लेलिस्ट में डाल दिए, सेम गोज फॉर आपका जून वाले करंट अफेयर्स एंड सेम फॉर आपके जुलाई वाले करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उनके जो हैं आपको वो जो वीडियोज़ हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके अलावा इसकी जो मैगजीन्स हैं हमने वो भी हमने स्टार्ट की थी लास्ट मंथ ही, ठीक है, तो जो लास्ट मंथ की जो मैगजीन है वो आपको मिल जाएगी। आप हमारा जो इंस्टीट्यूट है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे मैगजीन ले सकते हो, वो मिल जाएगी आपको। और ये जो जुलाई मंथ की जो मैगजीन है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है आपकी, उसमें सिर्फ 3 वीडियोस के जो लिंक है वो मैंने ऐड करने हैं, जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी नेक्स्ट डेज में बस उसके लिंक्स ऐड करने हैं। और जब वो लिंक्स ऐड हो जाएंगे तो वो जो मैगजीन होगी वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे ही फर्स्ट ऑफ आपका ये शुरू होगा ना, फर्स्ट अगस्त को आपको ये जो मैगजीन है ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो करंट अफेयर्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा ये जो आपका जो दूसरे वाले बच्चे हैं फिलहाल इनके लिए बता रहा हूँ मैं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वाले बच्चे, तो इनका जो क्रैश कोर्स होगा इनको जितने भी हमारे जो लेक्चर्स हैं उनकी असेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जो ये वाला क्रैश कोर्स होगा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वाला इसकी फीस होगी 8,000, ठीक है, 8K क्रैश कोर्स फॉर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ठीक है। और जो है 20K है ये है आपकी फॉर ADA, ठीक है, इसमें आपका सब कुछ कवर होगा, IPC CRPC CPC और एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके साथ ये है आपका पार्ट ए और देन आपका पार्ट बी, इसमें आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हमारा कवर हो चुका है, ठीक है, सिर्फ ये रहता है हमारा। और आपका आएगा एनवायरनमेंट, ये भी कवर है हमारा, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके जितने अब तक के जो इश्यूज हैं वो हमारे कवर हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट इश्यूज आते रहेंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक वो जो आपके इश्यूज हैं वो इसमें कवर होते रहेंगे, ठीक है। ये चीजें होगी, फिर आपके साथ में करंट अफेयर्स एंड देन आपके क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है, आपके क्रैश कोर्स में ये इंक्लूडेड होगा। इसमें ये सब हमारा ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये साथ के साथ चल ही जा रहा है हमारा, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ ये 2 टॉपिक्स रह गए हैं। इसका जो पेस है हम नॉर्मली रखेंगे, जिस पेस से हम पार्ट बी जो है हम कवर कर रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो क्रैश कोर्स होगा उसमें आपको
हमने क्या किया है कि हमने जो अपना क्रैश कोर्स है इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो आपका क्रैश कोर्स है ना दो मंथ में खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास है टोटल 75 डेज। ठीक है, इतने डेज है आपके पास। जो क्रैश कोर्स है वो 1st August से शुरू कर देंगे हम। ठीक है, 75 डेज है आपके पास। तो हमने जो अपना क्रैश कोर्स है हमने इसका टारगेट रखा है कि हमने 60 डेज में इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसकी इस क्रैश कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि इन सारे सब्जेक्ट्स की ना हमने हाफ ऑफ आर की एक क्लास डिजाइन की है। ठीक है, तो इन सब की जो क्लास होगी आपकी हाफ ऑफ आर की क्लास हुआ करेगी। मान लो हाफ 30 मिनट्स की इसकी, देन 30 की इसकी, 30 की इसकी, मतलब ऑन दी एवरेज आपको डेली जो है तीन घंटे की क्लास मिलेगी। ठीक है, 30 और 30। ऐसा हो सकता है कि मान लो किसी दिन इसकी क्लास ना आए तो जो इसकी क्लास होगी वो 1 hour की कर दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो आपका कोर्स है वो इस तरीके से चलेगा, और जो है एक क्लास आपको इसकी मिलेगी। ठीक है, इसकी जो क्लासेस होंगी वो 1 hour की होंगी। ये इसकी क्लास जो होगी उसकी ड्यूरेशन आप मान के चलो 45 मिनट से 90 मिनट तक की इसकी एक क्लास होगी। ठीक है, तो ये जो क्लास है ना आपको ऑलमोस्ट 3 hour की क्लास, 4 से 5 क्लासेस डेली आपको मिला करेंगी। मतलब हर एक क्लास जो होगी 30 से 45 मिनट तक की हर एक क्लास होगी। तो आपको तीन ऑलमोस्ट एवरेज मान के चलते हैं कि 3 hour की जो क्लास है आपको वो डेली आपको सेंड कर दी जाया करेगी। ठीक है, ऑनलाइन। तो ये जो आपका कोर्स है हम 60 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद जो आपके बचते हुए 15 दिन होंगे ना 15 डेज, इसमें हम आपसे 30 टेस्ट लेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और जो हमारे जो ADA वाले स्टूडेंट है जो हम जिन्होंने हमसे किया हुआ है, ठीक है, जो उन्होंने तो हमारे साथ टेस्ट दिए हैं, तो उनके जो टेस्ट हैं वो अलग से उनके चलते रहेंगे साथ के साथ ही। ठीक है, और जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ये 30 टेस्ट जो हैं ये आपको, ये जो 15 दिन होंगे इसमें आपको ये 30 टेस्ट जो हैं ये दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये प्रोसीजर रहेगा आपका सारा 75 डेज में आपको किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, डेली आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 30 मिनट्स की क्लास जो हमने डिजाइन की है वो सेंड कर दी जाया करेगी। और जो बच्चे हैं, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि वो चाहता है कि मुझे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ना है, या मुझे सिर्फ एविडेंस एक्ट पढ़ना है, या सिर्फ CPC पढ़ना है, या CRPC पढ़ना है, या IPC पढ़ना है, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो ना मान लो, या फिर सिर्फ पार्ट बी करना है, सिर्फ पार्ट बी की जो फीस है वो है 5K। ठीक है, और सेम जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स अगर सिर्फ IPC लेना चाहते हो तो इसकी भी फीस है 5K। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन लेना चाहते हो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की असेस लेना चाहते हो, तो उसकी सबकी फीस है 5K ई चाहिए। ठीक है, 5, 5, 5, 5, 5 और ये 5। ठीक है, अगर सारा कोर्स जो है अगर नहीं लेना चाहते, सिर्फ एक कोर्स लेना चाहते हो, तो उसकी फीस है आपकी 5000। और अगर सारा का सारा कोर्स इकट्ठा क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो उसकी जो फीस है वो है 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका क्रैश कोर्स है वो चलेगा। और उसके अलावा ये जो आपके क्वेश्चंस है ना ये इनको मिस मत करना। ठीक है, ये जो 30 टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना। इनका मैं रीजन बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा ना एक स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली PPSC ने ना एग्जाम कंडक्ट करवाया था, आई थिंक 24th को या फिर 26th को, एक मिनट, आई थिंक 24th को जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया था PPSC ने, 24th को, आई थिंक संडे ही था, हाँ संडे को, तो 24th को PPSC ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था संडे को। तो वो एग्जाम था प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, मेरा एक स्टूडेंट गया था और वो यहाँ से हमसे क्रैश कोर्स नहीं किया था उसने ना सिर्फ हमसे टेस्ट किए थे। तो वो एग्ज़ाम के का मतलब बहुत करीब ही आया था, मतलब जब उसका एग्ज़ाम होने वाला था उससे 15 या 20 दिन पहले ही आया था हमारे पास। तो उसने बोला था कि मुझे सिर्फ ये क्रैश कोर्सेज करने हैं, सॉरी सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं मुझे, तो आप प्लीज़ ना उसके अकॉर्डिंग जो है मॉक टेस्ट जो है वो डिज़ाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हमने हमारे पास ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं ये ऑलरेडी डिज़ाइंड होते हैं, तो हमने उसको जो डिज़ाइन जो हमारे टेस्ट थे और उसके अलावा हमने जो हमारे जितने भी करंट अफेयर्स थे हमने उसको वो प्रोवाइड करवा दी, उसकी PDFs वगैरह प्रोवाइड करवा दी। और जब वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देके आया ना तो उसने मुझे बताया कि सर 10 से जो 15 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मतलब जो उसने जो टेस्ट दिए थे वो उसमें से आए हैं। ठीक है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं ना स्टूडेंट्स की जो टेस्टमनी होती है वो तब तक नहीं डालता जब तक जो है उनकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट की जो टेस्टमनी है वो डाली है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें। ठीक है, वो भी आप ढूंढ के देख सकते हो।
तो टेस्टिमनी डालने का रीज़न ये नहीं होता, ये होता है ना डालने का रीज़न ये है कि जब तक स्टूडेंट की जो ज्वाइनिंग नहीं ना हो जाती तब तक वो टेस्टिमनी डालने का मज़ा नहीं आता, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जो है सिलेक्शन हो चुकी है लेकिन उनकी उनकी टेस्टिमनी भी पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन जो जो है उनकी ना अभी तक वो नहीं आई, ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो मेरा जनरली यही रहता है कि जब तक स्टूडेंट की ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक मैं उसकी टेस्टिमनी डालता नहीं हूँ। लेकिन जो ये वाली टेस्टिमनी है ना, मैंने उसको स्टूडेंट को बोला हुआ है कि आप ऐसे करना कि जो जो एग्ज़ाम में जो जो पेपर आए हैं ना, और जहाँ जहाँ पे उस आपने जहाँ पे हमने आपको वो जो टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो खींच के मुझे भेज देना, ठीक है। तो उसकी जो टेस्टिमनी है ना वो मैं आज का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आज वाले में उसकी टेस्टिमनी डालूंगा, अगर आज ना डाल पाया तो मैं कल तक डाल दूंगा, ठीक है। और जो हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है मैं उसमें भी डाल दूंगा। टेस्टिमनी डालने का रीज़न यही है कि सिर्फ आपको इस चीज़ का रियलाइज़ करवाना है कि ये जो 30 टेस्ट है ना ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 30 टेस्ट हैं इनको मिस मत करना, और ये टेस्ट जो है तभी दे पाओगे जब आप इस चीज़ को करोगे। उसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने जैसे आपका ये जो एविडेंस एक्ट है ये कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, ये कम्प्लीट हो गया था, ये आपने किया था मान लो एक अलग टीचर से किया था, ठीक है। अब जब इस बार जो हम एविडेंस करवाएंगे ना, तो इस बार हमने क्या किया कि टीचर्स को शफल किया है, ठीक है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स हमने अलग से शुरू करना था। और हाँ, दूसरी बात, ये जो क्रैश कोर्स होगा ये ना क्या कहते हैं, आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन भी ले मतलब यहाँ आके आप क्लासेस यहाँ आके भी अटेंड कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन चाहिए तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो इसको ऑनलाइन करने का ही फायदा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये 30-30 मिनट्स की क्लास है ना, बीच में गैप भी आएगा, बीच में जैसे 15 मिनट का यहाँ पे गैप आ गया, हाफ एन आवर का यहाँ पे गैप आ गया, तो जो आपका जो टाइम है ना, क्योंकि हमने तो 3 आवर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, इसको, तो आपका जो टाइम है ना आपका 4 से 5 आवर्स इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो आप मतलब इतनी आपकी सीटिंग है कि आप लगातार यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके 4 से 5 घंटे बैठ सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप आके जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कई बार बच्चों को क्या होता है कि उनको लगता है कि हम ना ऑनलाइन कर नहीं पाएंगे, मतलब हमसे होगा नहीं तो हमें ऑफलाइन ही करना है। तो आप ऐसे करो, आप ना मेरे से किसी भी, जो क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है ना, अब क्योंकि कोर्स तो हमारा होगा 1st अगस्त से शुरू, ठीक है, तो मेरी ना जैसे ये हिस्ट्री ऑफ पंजाब ये मेरा कवर हो चुका है, ठीक है, आप ना मेरे को कॉल करके तो आप ना इसकी असेस ले लो, ठीक है, इसकी मैं 4-5 क्लासेस की आपको असेस दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई भी टॉपिक जो भी कवर हो चुका है, ठीक है, जैसे ये एनवायरनमेंट ये करवाया मैंने, ये ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है, इसकी 4-5 क्लासेस के मैं आपको असेस दे दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा 2 से 3 दिन में, ठीक है, अभी ये कंप्लीट होना रहता है, इसका लास्ट टॉपिक रहता है, सिर्फ इसका लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा इकोसिस्टम में भी जो वेटलैंड्स हैं बस वो रह गए हैं, ठीक है। तो इसकी जो है, इसकी मैं आपको, इसकी जो जो कंप्लीट हो गया ना उसकी, उसमें से कोई भी आप ये रीजनिंग ले सकते हो या हिस्ट्री ऑफ पंजाब ले सकते हो, सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं कंप्लीट हमारा और ये क्वांट्स वाला ये नहीं कंप्लीट, ठीक है। तो इनकी कोई भी 5 क्लासेस की आप असेस ले लो घर पे बैठ के ना, फ्री ऑफ कॉस्ट असेस ले लो, इसमें कोई चार्जेस नहीं करेंगे आपसे, क्लासेस लगा के देखो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कंप्लीट कोर्स ले लेना, ठीक है। तो इसकी क्लासेस लगा के देखो, अगर आपको सूट बैठता है या आपको लगता है कि हाँ मुझे क्लासेस में समझ आ रहा है, क्योंकि मेरे जनरली जितने भी स्टूडेंट्स थे ना सबको यही इशू था कि अगर हम ऑनलाइन लेंगे तो हमें वो क्लासरूम वाला वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, और जो है ऑनलाइन में क्या होता है कि जो टीचर होता है ना वो फास्ट फास्ट बोल जाता है और हमें लिखने का टाइम नहीं मिलता, और हमें ये नहीं पता चलता कि लिखना क्या चीज़ नहीं लिखनी है और क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो जब आप ये क्लासेस देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि मैंने क्लासेस की स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ कि इसके नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, या फिर इसको जो है आपका जो करंट है, करंट न्यूज़ है उसके साथ किस तरीके से लिंक करना है, और जो नोट्स बनाने हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, कि मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि हाफ साइड पे नोट्स बनाओ और हाफ साइड खाली जगह छोड़ो, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें अगर आपको मान लो कल को उस जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनको ऐड करना पड़ जाए तो किस तरीके से आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी 5 क्लासेस की आप असेस लेके देख लो, ठीक है, कोई भी 5 क्लासेस ले लो जो आपका सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। ये वाला तो जो कोर्स है ना ये तो 1st अगस्त से शुरू होगा, ठीक है, उससे पहले आप किसी भी आप जैसे आपके पास 2-3 दिन पड़े हैं, ठीक है, तो आप क्लासेस लगा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ इसकी क्लासेस लगा के देखी जा सकती है। और एक और चीज़, एनवायरनमेंट की जो शुरू की 5 क्लासेस है ना ये आपके उस पर पड़ी हुई हैं, YouTube में पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसका नाम है एनवायरनमेंट, हमारे चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एनवायरनमेंट,
एंड रीजनिंग फॉर ADA, इस तरीके से ऐसा ही कुछ नाम होगा इसकी प्लेलिस्ट का। तो वहां पे जाके आप देखोगे इसके जो फर्स्ट 5 लेक्चर्स है ना वो पब्लिक हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको किसी भी असेस की जरूरत नहीं है, वो कोई भी असेस कर सकता है, ठीक है। तो उसको असेस करके देख लो। इसके 3-4 लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे उधर प्लेलिस्ट में ही। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा आई थिंक हिस्ट्री ऑफ पंजाब फॉर ADA, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। और अगर किसी और सब्जेक्ट की लेनी है यहाँ पे, जैसे इसमें से किसी सब्जेक्ट की लेनी, इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा 1st of August तक का, ठीक है। तो इसके जो लेक्चर्स हैं वो तो तब लगने शुरू होंगे। तो आप ये असेस जो है ये असेस लेके देख सकते हो आप, ठीक है। तो अपना जो कोर्स है वो आप 1st of August से शुरू कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये क्लासेस लगा के देख लो, अगर आपको सही लगता है कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो तभी पैसे खर्च करने का मतलब बनता है ना। अगर हम ही सही नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, और अगर हम सही ना पढ़ाते ना तो हम ये जो है आपको ये फ्री असेस देते ही ना, ठीक है। तो फिर भी मेरी एडवाइस आपको यही है कि पहले ये फ्री असेस लेके देखो, ठीक है, और उसके बाद जज करो कि हाँ मतलब ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। ये जो 20,000 आपके लिए खर्च करना वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला ऑप्शन भी मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट करना चाहते हो तो उसकी फीस है आपकी 5,000, ठीक है। मतलब कई बच्चे होते हैं ना जिनको लगता है कि मेरा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वीक है तो मुझे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि जनरली जो मैंने ट्रेंड देखा है ना, जनरली ये जो होते हैं आपके एडवोकेट्स होते हैं, उनको क्या होता है कि उनके लिए ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी ईजी होते हैं, ये उनको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। दूसरी बात, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता है उनको डिफिकल्ट लगने का रीज़न ये होता है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता है ना, उन्होंने जितना भी पढ़ा होता है सब कुछ बेयर एक्ट से पढ़ा होता है, ठीक है। वो आपके लिए ना कोर्ट में हेल्पफुल होता है, लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हो ना तो जो बेयर एक्ट से हैं इतने सवाल जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट में, ठीक है, सिर्फ ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ इसको फोकस में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, बेयर एक्ट से इसमें से सवाल नहीं आते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके जो ये है आपका सिलेबस है उसमें मेंशन है कि 5 ऑब्जेक्टिव्स बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले सिलेबस में। पहला ही टॉपिक है आपका कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो उसके जो 5 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, थीके? वो आपको तभी पता चलेगा, वो बेयर एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और जो हर एक ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ को डिफाइन करता है, क्या करता है, ठीक है। वो जब आप रेफरेंस बुक है जो वो पढ़ोगे तभी पता चलेगा। उसके अलावा जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो है हमने नोट्स बनवाए हुए हैं, ठीक है, थीके? तो जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब मुझे ये मैसेज ना कीजिएगा कि जो आप जो हैं आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स हमें प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो मैं उनके जो नोट्स हैं वो मैं नहीं प्रोवाइड करवा सकता। एक, वो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने नोट्स बनाने में मेहनत की है, ठीक है, तो उनकी मेहनत, ठीक है, उनसे मतलब मैं अगर उनको बोलूंगा ना तो वो हो सकता है वो दे भी दें, ठीक है, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बताने जा रहा हूँ कि मैं उनको नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा कर दूंगा कि जो जब आपका ये जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी ना तब मैं आपको उन्हीं के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप उनसे पर्सनली मांग सकते हो तो मांग लेना, ठीक है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ कि आप लायबल नहीं हो, ठीक है, नोट्स देने के लिए। आपकी मेहनत है, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो तब भी आपको कोई मतलब फोर्स नहीं करेगा कि आपको अपने नोट्स देने ही देने, ठीक है। उसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, मैंने बताया था ना मैं ही पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं UPSC वालों को भी पढ़ाता हूँ और PCS वालों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसके जो है ना मैंने बुक बनाई हुई है, एक बुकलेट है हमारे इंस्टीट्यूट की, ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी ये जो इसी क्रैश कोर्स के अंदर ही, ठीक है, इसी क्रैश कोर्स के अंदर ही ये आपके जो 30 टेस्ट हैं ये इसके अंदर ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसके लिए कोई भी आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, वो जो 30 टेस्ट हैं इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। और इनकेस कि मान लो जो है आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाता है, मान लो हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि मान लो आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाता है, तब जो है हमने आपको ये जो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे ना, इसकी हम असेस देंगे आपको 16th of October तक की, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक की आपको असेस रहेगी। मान लो इन केस जो आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाता है तो जो आपकी असेस होगी ना उसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, जब तक
आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसकी जो असेस है वो आपके पास रहेगी। सेम गोज फॉर द टेस्ट, ठीक है। 30 टेस्ट हम आपसे कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, हम कंडक्ट करवाएंगे आपसे, लेंगे 30 टेस्ट। और उसके बाद मान लो आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम अपने ये जो टेस्ट है ना इनकी भी जो नंबर है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मान लो 30 है तो 30 टेस्ट तो हम आपसे 15 से पहले पहले ले लेंगे, ठीक है। 15 को आपका क्या कहते हैं 14 या 13 को आपका लास्ट टेस्ट होगा, ठीक है, उससे पहले आपसे टेस्ट ले लेंगे सारे। और उसके बाद मान लो एग्जाम जो है एक मंथ के लिए पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने टेस्ट भी हैं इंक्रीज कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपकी असेस होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और मान लो किसी स्टूडेंट ने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया था ना, तो उसकी उस सब्जेक्ट की जो असेस होगी ना वो भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, मतलब ये जो टोटल जो भी आप हमें इसके लिए जो भी आप पे करोगे वो तब तक के लिए वैलिड होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। मान लो वो एग्जाम जितनी देर मर्जी के लिए पोस्टपोन हो जाए तो वो जो असेस होगी वो आपके पास रहेगी, ठीक है। और हाँ, इसकी जो असेस होगी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी, ठीक है। क्रैश कोर्स जो होगा दोनों स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो है कोशिश करना, ठीक है, कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करना कि जो जिस ये जो आपने जिस टीचर से पहले पढ़ा है ना उसी टीचर का अपने नोट्स अपने पास रखना, ठीक है। मतलब ये जो दोबारा बनवाए जाएंगे ना इन पे फोकस मत करना, ठीक है। ये थोड़े शॉर्ट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, थोड़े क्रिस्प होंगे। आपने जो एविडेंस किया है वो काफी ब्रॉडली किया है, ठीक है, और धीरे धीरे किया आपने एविडेंस एक्ट, ठीक है। उसके अलावा अब आपको ये जो 3 घंटे की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी ना, अब आपने क्या किया है कि आप इससे पहले कर रहे थे खुद से तैयारी, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 घंटे की जो टोटल क्लास होगी ना इसको क्या करना है आपको 1.3 की स्पीड पे आप देखना या फिर 1.5 की स्पीड पे देखना, ठीक है। तो ये जो आपकी 3 घंटे की क्लास है ना ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे में आपकी ये जो क्लास होगी ये फिनिश हो जाया करेगी, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लिया करना उसके, ठीक है। इसमें ज्यादा लंबे नोट्स नहीं होंगे, आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे और एग्जाम इसको डेली रिवाइज करते रहना है, अपने ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको रिवाइज करते रहना है। और जो 15 दिन पहले जो आपका ये जो सारा सिलेबस जो है ये फिनिश कर दिया जाएगा, उन 15 दिनों में आपने क्या करना है, एक तो डेली के जो 2 टेस्ट है एक तो वो दिया करने हैं, दूसरा ये जो सारा सिलेबस है इसको बार बार रिवाइज किया करना है आपने, ठीक है। तो ये जो आपका सारा जो इससे रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स बनता था ये मैंने आपको सारा करवा दिया। और इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा जो नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, नंबर है 82640 9 9 4 2 5 8 2 6 4 0 9 9 4 2 5। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। और कोई और जो स्टूडेंट है, मान लो अगर दूसरा स्टूडेंट है किसी और एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसके अलावा अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो ये PPSC है, अब ये नोटिफिकेशन जल्दी ही निकालेगी PCS जुडिशरी की, ठीक है। अब आपने क्या किया था, आपने हमारे पास ये 20K का कोर्स दिया था, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो कि 20K का आपने कोर्स ले लिया, आप क्या करना चाहते हो कि हमारे पास ना जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, ठीक है। तो जितनी जुडिशरी की फीस होगी ना, मान लो 30K होगी उसकी फीस, ठीक है, तो जितनी जुडिशरी की फीस होगी ना, अब आपको ये सारी 30K दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। आपने 20K यहाँ पे कर दिया था ना, आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट बन चुके हो, ठीक है, 20K आपने पे कर दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि जितनी इसकी एडिशनल फीस बनती है ना 10K, आप उतना 10K देके हमारे पास ये PCS जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। जैसे कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हमें ग्रुप बी के जो एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फिलहाल जो जितने भी हमारे बच्चे चल रहे हैं वो ग्रुप बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि उन्होंने जितनी फी पे कर दी है हमको, ठीक है, अब मान लो कि वो बच्चा आगे जाके हमारे पास PCS की जो प्रिपरेशन है वो करना चाहता है, ठीक है। तो जब भी हम क्या कहते हैं, जब भी वो PCS की जो प्रिपरेशन करने के लिए आएगा तो हम उनसे जो PPS की PCS की जितनी भी टोटल फीस होगी उतनी नहीं लेंगे, जितनी फीस वो पे कर चुका है
उतनी फीस जो है उसकी टोटल फी में से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है, जितनी कोर्स की फीस बनेगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं सभी इसी तरीके से चलते हैं, एक बार जब आपने पे कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप हमारे स्टूडेंट हो जाते हो, और उसके बाद अगर आप अपना जो कोर्स है उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको सारे कोर्स की जो फीस होती है वो नहीं देनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ठीक है। तो ये जो आज की जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी ये मैंने करनी थी, और उसके अलावा जितने बच्चे अगर कोई बच्चा, ठीक है, सेल्फ इसके कोर्स क्रैश कोर्स ना लेके भी सेल्फ प्रिपेयर करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, क्या कहते हैं, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के लिंक के अंदर ही मेंशन कर दूंगा, ठीक है, आपको एंड आपकी एंड स्क्रीन पे जब जाओगे ना तब आपको साथ में शो हो जाएगा उसका। और उसके अलावा कोई बच्चा जो खुद से प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए, मान लो उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा या बीच में उसको कहीं कंफ्यूजन हो गई है तो वो कुछ ना कुछ पूछना चाहता है, तो वो भी किसी भी टाइम पे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैं ही करवाता हूँ, अगर इससे रिलेटेड हुआ, ठीक है, तब तो आपका जो डाउट है उसी टाइम क्लियर कर दिया जाएगा। अगर इनमें से इन सब्जेक्ट्स में से रिलेटेड हुआ, अगर तो मेरी नॉलेज में हुआ, ठीक है, तब तो आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, अदरवाइज जो रिस्पेक्टिव टीचर है उनसे पूछ के आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बीच में कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है तो वो भी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो उनका इशू है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो अनाउंसमेंट थी या आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो हमारी ये जो आपको नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बेस्ट विशेज एंड थैंक यू सो मच।